सीएपीएफएसी 2022 इंटरव्यू जो सीरीज है, इंटरव्यू जो में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वाली सीरीज है, उसमें आज हम पॉइंट नंबर 16 देखेंगे। टुडे विल सी पॉइंट नंबर 16। पॉइंट नंबर 16 में एसआरटी है। एसआरटी पे हम थोड़ा सा करेंगे। एसआरटी पे बहुत सारी चीजें हम किए हुए हैं। एसआरटी मींस सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट या सिचुएशन रिस्पॉन्स टेस्ट। जो आपको सिचुएशन दिया जाता है उसमें आपका क्या रिएक्शन है या आपका क्या रिस्पॉन्स है। एसआरटी एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें कुछ सिनेरियो आपको प्रेजेंट किया जाता है, कुछ ऐसी कंडीशन आपको प्रेजेंट किए जाते हैं, इधर वो कंडीशन रियल में कभी हुए हैं, कोई घटना ऐसी हुई है, या यदि कोई घटना नहीं ऐसी हुई है तो आपको इमेजिनरी एक इंसिडेंट दिया जाता है, उस इंसिडेंट पे आपसे आपका रिस्पॉन्स मांगा जाता है। अब एक सिचुएशन देखो कि यदि आप सपोज सीएसएफ आपकी फर्स्ट चॉइस है, तो वो बोलते हैं कि सीएसएफ में आप हो, आप असिस्टेंट कमांडेंट हो और आप एयरपोर्ट पे पोस्टेड हो। एयरपोर्ट पे पोस्टेड हो, आपके जो जवान्स हैं या ओआर्स हैं, सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, वो चेक कर रहे हैं, बहुत सारी भीड़ है। सपोज करो कि एक पर्सन है, वो रैंडमली एक जब उसका सामान चेक कर रहे थे उसमें कुछ ऐसे वस्तु मिले जो कि प्रोहिबिटेड थे, और उसको चेक करने के लिए आपका जवान जब उधर इंगेज था, अब उसी बीच में कुछ मिसक्रिएंट्स जो है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे, या जो भी कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई, अब उसमें से मान के चलो कि क्या होगा, कोई भी ऐसा सिचुएशन दे सकते हैं। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखो कि जो भी आपको सिचुएशन दिया गया है वो फिलहाल के लिए हाइपोथेटिकल आपके लिए, फिलहाल के लिए हाइपोथेटिकल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आपको बोल दिया जाए कि आपको हमने 5 करोड़ दे दिया, तो आप क्या करोगे? रियल में तो आपको 5 करोड़ मिला नहीं है ना, मिल जाएगा तो शायद डिफरेंट चीजों को करोगे, लेकिन जस्ट इमेजिनेशन बताओ कि हम क्या करेंगे। 5 करोड़ का जाकर के हम यूरोप और अमेरिका पूरे फॉरेन ट्रिप ट्रिप करेंगे, या 4-6 गाड़ियां खरीद लेंगे, या एक फ्लैट खरीद लेंगे, या गरीबों की मदद के लिए दे देंगे। आप जो भी कर सकते हो उसका उसको बताओ। सेम सिचुएशन एसआरटी है। एसआरटी में आप जो कर सकते हो उसको बताओ, लेकिन हमेशा ध्यान रखो आप रैंडम कुछ भी नहीं बोलोगे ना, कि रैंडमली हम कुछ करेंगे। हमेशा ध्यान रखना है कि इवन इफ ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, उस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में यदि आपकी जरूरत है तो आपको अपनी जान की बाजी भी लगानी है, क्योंकि रियल तो आपका अभी ऐसा नहीं है। हाँ, जब सिचुएशन होगा फिर क्या आप रिएक्ट करोगे उसके में सो है, आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट ट्रेनिंग हमेशा जो क्वेश्चन होते हैं, जो रियल लाइफ में भी आपके सिचुएशंस आते हैं, कुछ इंसिडेंट्स आते हैं, वो किताबों में हर में नहीं मिलता है। यदि हाईजैकिंग के बारे में मान के चलो कि सपोज हाईजैकिंग है, एक सिचुएशन दे दिया गया, उस हाईजैकिंग के बारे में बुक्स में आप लाखों बार पढ़ लो, लेकिन जब रियल सिचुएशन आएगा आप उस बुक के आधार पर डायरेक्ट चीजों को नहीं कर सकते हो। उस समय आपका कुछ रिस्क फैक्टर है उसको कंसीडर करोगे, कुछ पॉइंट्स हैं उनको कंसीडर करोगे कि हम कितने अप टू रिस्क बियर कर सकते हैं। तो जो भी सिचुएशन रिस्पॉन्स टेस्ट होता है, एक चीज ध्यान रखना कि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपके लिए दिया गया है, उस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, आपको सम अपने नियर और डियर की सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, आपको अपने कुछ मेन और मटेरियल का सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, इसके लिए आपको रेडी रहना है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको किसी के जान की कीमत, ये बहुत ज्यादा होता है, किसी के पर्सन की लाइफ का जो कीमत है वो बहुत ज्यादा है, तो इन चीजों को ध्यान रखोगे। और जो एसआरटी है उसके डिटेल के ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो बने हुए हैं आपके स्टडीज में ही, एसआरटीज के स्टडीज एसआरटी यूट्यूब में सर्च करोगे तो बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे जिसको हमने बनाया, कुछ और जो है हम उसको डिटेल में बना देंगे। तो एसआरटी में भी आपको कुछ ना कुछ आपको रिस्पॉन्स हमेशा देना ही है, वो सिचुएशन दिया हुआ है वो रिस्पॉन्स, लेकिन इसमें जो रिस्पॉन्स दोगे वो कैलकुलेटेड आपका होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा टाइम लोगे, पॉज लोगे कि हाँ ये सिचुएशन में हम ऐसे करेंगे, अब ऐसे करेंगे तो उसके कंसिक्वेंसेस को भी सोचना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, या वो रियल लाइफ में ऐसा दिया गया कि उनके साथ ऐसा हुआ था,
लेकिन अब आपके साथ हो तो क्या आप रिस्पॉन्ड करोगे? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कुछ चीजें कि लोगों का जो जान है वो उसकी कीमत है, उनकी कीमत है। आपका जो ऑफिसर्स हैं, कमांडिंग ऑफिसर्स हैं, उनसे आपको सलाह मशविरा लेना है। कुछ सिचुएशंस जो और अधिकारी हैं जिनसे आप संपर्क कर सकते हो, उन्हें करना चाहिए, फिर आपको एक्ट करना चाहिए। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है, या आपको मॉक इंटरव्यू अटेंड करना है, या गाइडेंस चाहिए डेडिकेटेड, तो यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप नंबर 8527146498 और टेलीग्राम नंबर 7404909669। ओके, थैंक यू।